नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेरू कंट्री के करेंसी और उस देश के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेरू का नोट है, ये ओल्ड नोट है पेरू का। इसके ऊपर आप डेट भी देख पा रहे होंगे 1987 का। अब वहाँ पर पहले इंटिस चलते थे, अब वहाँ पर चलते हैं सोल। और पहले उनकी करेंसी थोड़ी वीक थी, अब इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ी हायर स्टैंडर्ड्स पे है। तो पेरू जो कि रिपब्लिक ऑफ पेरू है, एक साउथ अमेरिका के अंदर कंट्री है। इसकी कैपिटल है लीमा। यहाँ पर ज़्यादातर रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। पेरू आज़ाद होता है स्पेन से 28 जुलाई सन 1821 को। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो पेरू का स्थान 19वां है पूरे वर्ल्ड में, और आबादी इसकी है 3.31 करोड़। और ये पेरू का जो बॉर्डर है वो टच करता है कई सारी कंट्रीज से, जैसे इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, बोलिविया है और चिली है। अगर आप बात करें पेरू नाम इसका पड़ता है एक लोकल रूलर हुआ बीरू 16th सेंचुरी में, उसके नाम पर इसका नाम पड़ता है पेरू। 16th सेंचुरी में एक लोकल रूलर बीरू के नाम पर ही पेरू पड़ा है। अगर मानव सभ्यता की बात करें तो 9000 साल यानी 9000 BC बिफोर क्राइस्ट यानी तकरीबन 11000 साल पहले यहाँ पर मानव सभ्यता होने के चिन्ह यानी कि सिग्नल्स मिले हैं। इसके अलावा अगर आपने नेजका लाइन जिनको बोलते हैं, जो लाइन्स अंतरिक्ष से देखने पर, जो वहाँ पर रेगिस्तान है पेरू का, अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो वो कुछ उन्होंने सिंबल्स बनाए हैं, अराउंड 2000 ईयर ओल्ड सिंबल्स हैं जो सिर्फ स्काई से दिखते हैं। तो ये काफ़ी रिच कल्चर वाला देश है और ये अपने खाने पीने के लिए मशहूर है। अगर आपने नाम सुना हो, माचू पिचू एक जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वो पेरू के अंदर ही आती है। इसके अलावा लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड द ग्रेट एंडियन कॉन्डर भी पेरू के अंदर ही पाई जाती है। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करें पेरू की, तो पेरू की करेंसी देख रहे हैं आप, ये ओल्ड करेंसी है, अब वहाँ बंद हो गई है, लेकिन जो करंट करेंसी है वो है सोल, यानी 1 सोल इज़ इक्वलेंट टू 21 रुपी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की करेंसी से थोड़ी मजबूत है, यानी कि एक सिंगल यूनिट ऑफ करेंसी जो पेरू की है वो इंडिया की 21 रुपीज़ के इक्वलेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पेरू की जानकारी आपके कितने काम आई और ये सारी जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर लिखें, और कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दें। थैंक यू, धन्यवाद।